प्रतिक्रिया किए तो इतना दिख जाए स्टेप दो और तीन में, तो हम स्टेप चार के बारे प्रश्न बात मतलब पूछ सकते हैं। स्टेप चार में हम ये पूछ रहे हैं, ये जो भाव विचार मेरे में चल रहा है जिसके आधार पर मैं सुखी दुखी हो रहा हूं, इसका निर्णय कौन लेता है? ये प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं अपने से पूछ रहा हूं कि इस क्षण मेरे में जो भाव चल रहा है, जो विचार चल रहा है, उसका निर्णय किसने लिया? किसी बाह्य परिस्थितियों ने लिया, किसी दूसरे व्यक्ति ने लिया, या मैंने स्वयं लिया? इसको पूछना है अपने आप से। तो इस क्षण अगर मेरे में विरोध का भाव चल रहा है जिसके कारण मैं दुखी हूं, तो इस भाव का निर्णय किसने लिया? इस क्षण मेरे में अगर स्नेह का भाव चल रहा है जिसके आधार पर मैं सुखी हूं, तो उसका निर्णय किसने लिया? ये प्रश्न है। किसी बाह्य परिस्थितियों ने लिया, दूसरे व्यक्ति ने लिया, या अंततः गत्वा मैंने ही उसका निर्णय लिया? उसको मैं एक उदाहरण से स्पष्ट कर देता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपशब्द प्रयोग किया, ठीक है, मैंने उस शब्द को सुना और उससे यह निष्कर्ष निकाला कि यह व्यक्ति मेरा अपमान करना चाहता है, उसके आधार पर मेरे में उसके प्रति विरोध का भाव आया और उस विरोध के भाव के साथ मैं अपने में दुखी हुआ, तो अब इस बात को हम लोग स्टडी करके देखते हैं कि ये जो मेरे में विरोध का भाव आया जिसके कारण मुझे दुख हुआ, इसका निर्णय किसने किया? बाह्य परिस्थिति ने किया, दूसरे व्यक्ति ने किया, या मैंने किया? इसको स्टडी करते हैं, दो मिनट देखते हैं, फिर इसके बारे बात करेंगे। तो अगले दो तीन मिनट हम लोग इस बात को जांचें कि ये जो अपशब्द प्रयोग किया गया जिसके कारण मेरे अंदर ये आया कि भाई ये आदमी हमको अपमानित करना चाहता है और उसके तहत मैंने विरोध का भाव उसके प्रति बनाया, तो क्या ये निर्णय मेरा है या दूसरे व्यक्ति का है या बाह्य परिस्थिति का है? क्या इन परिस्थितियों के साथ भी, इस व्यक्ति के साथ भी मैं दूसरा निर्णय ले सकता था? क्या मेरा भाव विचार इससे भिन्न हो सकता था? क्या इस पर तीन चार मिनट हम लोग सोचते हैं, लौट कर आपसे पूछेंगे, फिर हमको जो बताना है हम बताएंगे। तो नेक्स्ट तीन चार मिनट हम लोग इस बात को ध्यान से देखें कि ये जो घटना घटी बाहर, उसमें हमारे पास क्या सिर्फ इतना ही चॉइस था कि हम उसके प्रति विरोध का भाव लाएं और दुखी हों, या हमारे पास कुछ और भी चॉइस था?